एग्जाम्पल नंबर फोर ए फोर्स ऑफ वन फिफ्टी न्यूटन एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है फिफ्टीन के जी है उसके ऊपर लग रहे हैं फॉर फाइव मिनट्स फाइव मिनट्स के लिए एंड देन कीजिस और उसके बाद में वो फोर्स उस बॉडी पर लगना स्टॉप हो जाता है कीजिस मतलब स्टॉप हो जाना तो वट इज़ दॉडी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन टू मिनट्स मतलब हम कितना फोर्स लगाए उस बॉडी के ऊपर ताकि वो बॉडी क्या आ जाए रेस्ट के अंदर आ जाए टू मिनट्स के अंदर पहले वो बॉडी क्या थी रेस्ट पे थी जब हमने वन फिफ्टी न्यूटन फोर्स लगाया तो वो बॉडी मोशन में आ गई होगी और अब हमें क्या चाहिए वापस उस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स फाइंड आउट करना तो पहले हमें जो गिवन है उसका यूज करते हैं क्या गिवन है एक फोर्स है वन फिफ्टी न्यूटन का मास फिफ्टीन के जी टाइम फाइव मिनट्स सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलेशन फोर्स की वैल्यू वन फिफ्टी है मास की वैल्यू फिफ्टीन और एक्सेलेशन हमें नहीं पता तो यहाँ से एक्सेलेशन की वैल्यू आ जाएगी वन फिफ्टी है पॉइंट में फिफ्टीन यानी टेन मीटर पर सेकेंड अब पहले हमने उस बॉडी पे जो फोर्स लगाया था उससे पहले वो बॉडी रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो उसके ऊपर फोर्स लगाया होगा तो वो बॉडी मूव करने लगी होगी तो हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेसिक फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी यूज करते हैं तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू जीरो f की वैल्यू टेन t की वैल्यू थ्री हंड्रेड सेकेंड तो वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी आ गई थ्री थाउजेंड मीटर पर सेकंड ये तो अभी फाइनल वेलोसिटी निकली है बट हमें क्या करना था वो बॉडी जब मोशन में आ गई थी उस मोशन वाली बॉडी को अब रेस्ट पर लेके आना है तो रेस्ट पे लेके आने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा उस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मीन अब बॉडी मोशन में है और उसको क्या लेके आना है रेस्ट तो मोशन उसकी इनिशियल स्टेज होगी और रेस्ट उसकी फाइनल स्टेज तो मोशन के अंदर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने थ्री थाउजेंड मीटर पर सेकेंड तो इनिशियल वेलोसिटी होगी थ्री थाउजेंड मीटर पर सेकेंड और रेस्ट पे लेके आना है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी जीरो कितने मिनट के अंदर उसको रेस्ट में लेके आना है टू मिनट्स में तो टाइम है टू मिनट्स सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ट्वेंटी सेकेंड अब एक्सलरेशन भी चेंज हो जाएगा मतलब पहले जो बॉडी रेस्ट से मोशन में आई थी अब मोशन से रेस्ट में लेके आना है तो एक्सलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी होगी तो एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ एफ मतलब उसके नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ऑफ एफ को बोला जाता है रिटार्डेशन इस माइनस एफ को हम नया नाम दे देते हैं एफ डैश तो एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ

बट हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है और एक्सेलरेशन की इस बार जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी उस डायरेक्शन चेंज होने के कारण एफ की, की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस ऑफ एफ डैश तो इस एफ डैश की वैल्यू है वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकंड तो हमारे पास रिटार्डेशन आ चुका है अब हमें फोर्स निकालना है जो उस बॉडी को मोशन से किसमें लेके आ जाए रेस्ट में लेके आ जाए तो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज करेंगे रिटार्डेशन तो रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा मास इंटू में रिटारी रिटार्डेशन. रिटार्डेशन हमने 25 निकाला था. 15 में 25, 375 तो ये वो फोर्स हो गया जो बॉडी को क्या लेके आ रहा है टू मिनट्स के अंदर रेस्ट के अंदर लेके आ रहा है